हमारा यहाँ से, काफ़ी अच्छे लोग लोग फोटो ले रहे हैं और हम लोग, ये भी एक है कुछ वाओ, जैसे कि माउस लुक्स सो गुड गाइस, डिज्नी वालों का के माउस है। आई थिंक इट्स फॉर सेल, इसकी प्राइस ठीक है, आई थिंक क्वाइट एक्सपेंसिव, 4300। हाँ यहीं से निकलते हैं, यहाँ सिक्योरिटी चेक से हम बाहर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब कुछ है नहीं। यहाँ पर अब यहाँ से व्यू दिखाएंगे आपको, जो हमने ऊपर से व्यू देखा था वैसा ही ये कुछ व्यू है यहाँ से। ये इसके बाजू में है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, जो होटलता था यहीं से, इस काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे भी। अभी तक तो ये K11 ही है लेकिन बाद में ये हो जाएगा। इसके नीचे पानी है, समुंदर है, देखें कितना अच्छा व्यू दे रहा है। वाह यहाँ पर ये सब कुछ है और बहुत अच्छी आउटिंग की प्लेस है ये। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं जगह को, ये अब शिमशा छे है एरिया तो, लेकिन ये सी साइड पे आता है, स्टार फेरी की भी तरफ से आ सके सकते हैं आता है, तो काफ़ी ज़्यादा वे हैं इसके यहाँ आने में। और अगर अब आपको दिखाऊँ अब मैं, तो यहाँ पर ये था होटल, यहाँ पर हम गए थे, इसके अंदर वो उसके ऊपर तक है व्यू। और ये इसकी मेन एंट्रेंस थी, यहाँ पर भी कुछ डेकोरेशन है, आई थिंक स्पंज बॉब के पास होता है वो, वही लग रहा है मुझे, वही है यहाँ से एंटर है। यहाँ पर साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है जो रेनोवेशन पे है, कितने साल की रेनोवेशन कोई पता नहीं, 3 साल लगेंगे। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी, सामने ऑपोजिट साइड पे सब हांगकॉन्ग आइलैंड है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं। ये सामने होटल था जो अब नहीं है, जो दोबारा वापस आएगा तो रीजेंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने फिंगरप्रिंट वगैरह रखे हुए हैं, यानी कि हाथ का साइज है, उसका नाम है जिस सेक्टर का है, सब एक्टर्स के यहाँ पर होते हैं नियम, हर थोड़ी देर बाद हर जगह पे इसका है, ये देखें ये एक्टर्स है, सिंगर है इसका, ये वो, तो इसी तरह ये सारा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये सारा व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह, लेकिन अभी धूप है, गर्मी बहुत तो नहीं है लेकिन फिर भी फील हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी इनके किसी के फिंगरप्रिंट है और उनका नाम ये है कुछ, ये वेक्टर का नाम है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट पहले बहुत आते थे, अभी तो वायरस। ये देखें ऐसे लोग भी यहाँ पे फिर रहे होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू है। और वो वहाँ पीछे होटल है 1916, और यहाँ पर 8 म्यूजिंग है और दूसरे 2 म्यूजिंग यहाँ पर साथ साथ में ही है। यहाँ एक टाइम होता था जब यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन अभी इतना है कि बहुत ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, वो आता ही नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ मैं पहले काम करता था, अभी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बंद हो गया तो हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है, इसलिए हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे आजकल। और
काफ़ी अच्छी जगह, व्यू तो अच्छा है, ऊपर लग रहा है कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है कि किस साइड से आ रहा है, कि मेरे पास सनग्लास नहीं है तो ज़रा ढूंढने में मसला हो रहा है। तो हम जा रहे हैं, तो वो ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर, बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को नज़र आएगा। काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये स्टैचू काफ़ी अच्छा है, फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ के बनाते हैं वीडियो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है वीडियो के लिए। ये शॉप है पर बंद है आज। ऊपर जाने का रास्ता है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं ऊपर चले जाते हैं बेहतर है। अभी गर्मी फील हो रही है ना, काफ़ी हो गई है गर्मी। एक दोस्त के साथ आया हूँ यहाँ पे, तो अभी हमारा बस हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इससे पहले कि हम गिर जाएं, तो चलते हैं वापस। कैमरा थोड़ा सा हिल ना रहा हो क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, सेल्फी स्टिक लाना भूल गया। सामने शेरेटन होटल है, इसका ऊपर आपको लोगों नजर आएगा। यहाँ पर भी K11 का ये एक प्ले हाउस है, काफ़ी अच्छा देते हैं, टॉयलेट वगैरह है लेकिन वो आई थिंक बंद की हुई है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, अब हम वापस जा रहे हैं। तो इधर से स्टेयर्स हैं जहाँ से हम जाएंगे, शेर से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे। ये इंटरकॉन्टिनेंटल आ गया होटल, लोग अभी भी वही लगे हुए हैं, जल पता नहीं काम कर रहे हैं या लोग नहीं कर रहे हैं। ये लग रहा है जैसे कोई मच्छी पकड़ रहे हैं काफ़ी देर। हाँ, कुछ नेट वगैरह डाला हुआ है, वो लोग खींच रहे हैं, उसमें मच्छी पकड़ेंगे।